तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। अपनी आज की वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले सारंग के बारे में। तो सारंग जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उन्होंने बात की थी कि जो TX की अनाउंसमेंट है वो एग्जैक्टली अनाउंसमेंट है क्या, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि TX की एक अनाउंसमेंट आने वाली है। तो सारंग यहाँ पर बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली वो अनाउंसमेंट किस बारे में, किसके रिगार्डिंग है। एंड कुछ लोग उनको ये बोल रहे थे कि BMPs के बाद हंटर्स को अपनी टीम के अंदर लो। तो इस चीज़ के बाद सारंग ने रिप्लाई करा था। तो जो सारंग का पूरा रिप्लाई था वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौन सा अनाउंसमेंट? ऐसे कुछ अनाउंसमेंट है ही नहीं अभी तो फिलहाल। हाँ, बस ये है कि डॉक्यूमेंट्री आएगा एक, वो है मतलब ब्रांड या कुछ ऐसा रिलेटेड हो सकता है, बट अभी मतलब टीम के रिलेटेड कुछ ऐसा है नहीं। यही टीम है, ये टीम रहेगा, भले हम लास्ट आए भले हम फर्स्ट आए, एनी प्लेयर चेंजेस, नो ब्रो, नो चेंज। हंटर्स को लो BMPs के बाद। किसकी जगह ले भाई? मेरी जगह ले लो, मेरे को सबसे ज्यादा गाली पड़ती है। मेरी जगह खिला लो हंटर्स को, मैं ले आता हूँ। मैंने अपना बात करी थी आईफ्लिक्स के बारे में, एसपावर के बारे में। तो आईफ्लिक्स को लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो एसपावर है वो मोगो को लीव करने वाले। तो यहाँ पर आईफ्लिक्स इस चीज़ के ऊपर हंसने लग जाते। बेसिकली उनका कहना था कि आपको पता है एसपावर एंड टीम का क्या सीन रहता है। एंड फनीली इस मैटर के बारे में बात कर रहे थे। फिर ओमेगा एंड हेक्टर के बारे में उन्होंने बात करी थी। तो जो आईफ्लिक्स का रिप्लाई था वो आप देख लो। सूर्यंश ब्रो, एसपावर लेफ्ट मोगो। I'm not gonna say anything. Bro, देखो देख लेंगे यार। एसपावर का थोड़ा सा मजाक वाला कहानी होते है यार, आपको पता ही है, you know? यहां से वहां, वहां से यहां। So, yeah. कभी बुरा भी लगता है बंदे के ऊपर, कभी बहुत मजाक भी लगता है, भाई यार ठीक है कोई ना, देख लेंगे। Give some leaks. सारे leaks तो भाई सबको पता चल रहे हैं, चल चुका है यार, अभी और क्या है। Hector versus Omega is some leaks which I was not expecting. आप लोगों को भी पता चल जाएंगे, but हाँ, that was something and all, bro. मतलब I was not expecting it to come on in such a way. मैंने इनफैक्ट ज्यादा तो मैंने एक ही क्लिप देखा जहां पे गॉब्लिन हेक्टर वगैरह बैठ के बोल रहा है। मैं तो ओमेगा का पार्ट देखा भी नहीं है, बट हाँ वो क्लिप देखते ही मेरे को पता चल गया कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब आपको मतलब अंदर ही अंदर चीजें पता चल रहा है, राइट, यू नो, वो सीन है। कितना कुछ बैक स्टोरी है वो चीज देख रहे हो, कितना और निकल के आ रहे हैं। हो सकता है कि सेम चीज एस्पर सोल में से जब निकल रहा है तभी भी कुछ निकल के आ रहा है, पता नहीं, सब हो सकता है ब्रो। मतलब कुछ ना कुछ बैक एंड में होता ही है, बट वही है कि वो बाहर निकल के आएगा तो लोगों को पता चलेगा, नहीं निकलेगा तो यार इट ऑलवेज विल बी बिटवीन देम ओनली। एंड अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर स्काउट के बारे में। तो स्काउट यहाँ पर एक हेल्दी बैंटर कर देते हैं गॉर्डल एंड बाकी सारी टीम्स के ऊपर। मतलब बेसिकली उनके से कहना था कि BMPs फाइनल्स में सारी टीम अच्छा खेलेगी, गॉर्डल भी अच्छा खेलेगी, लेकिन फर्स्ट तो हमारी TX ही आने वाली है, बाकी सारी टीम सेकंड के लिए खेलने वाली है। तो जो स्काउट का पूरा रिप्लाई था वो आप देख लो। देखने मिल जाए गॉर्डल क्वालिफाइड फॉर लैन कॉन्गो भाई, 3 साल बाद फाइनली जिस चीज़ का आप लोग का वेट था वो हो गया, वेल एंड गुड। अभी मोमेंटम कैरी करें, बट ट्रॉफी तो TX नहीं उठाएगी, सो अच्छी बात है क्वालिफाई कर रहा हूँ, बट आई होप आप लोग सेकंड पोजीशन के लिए खेल रहे होंगे। फर्स्ट के तो हम खेल रहे हैं, और आई थिंक ये सारी टीम्स के लिए फर्स्ट के तो हम, हमारी सारी टीम जितने भी खेलने वाले सब सेकंड के लिए हम खेलेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट स्काउट, स्काउट का एक चीज से बिल्कुल भी यहाँ पर खुश नहीं थे। एंड यहाँ पर उसके रिगार्डिंग उन्होंने ट्वीट करते उस पूरे मैटर को एड्रेस भी करा था। तो बेसिकली उनका ऐसा कहना था कि हमारी टीम के अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहे। उन्होंने अपने फैन से ऐसी अपील करी थी कि जो भी तुम चीज़ें इंटरनेट पर देखते हो उन सारी चीज़ों पर विश्वास मत किया करो, मतलब सबके सब पे विश्वास करते मत बैठा करो। अगर कोई भी TX के रिगार्डिंग अपडेट है तो वो सिर्फ उनको स्काउट से पता चलेगी और किसी सोर्स से नहीं। एंड बेसिकली ये उनका रिप्लाई था। तो इसी ट्वीट के नीचे एक बंदे ने रिप्लाई करते हुए लिखा था, बाकी सब तो ठीक है लेकिन हर बार TX फैंस को ही क्यों आप ब्लेम करते हो। तो इस चीज के ऊपर स्काउट ने रिप्लाई करते हुए कहा था कि वो फैंस को ब्लेम नहीं कर रहे, वो जो ई-स्पोर्ट्स न्यूज पेजेस होते हैं जो लीक्स वगैरह डालते हैं उनको यहाँ पर ब्लेम कर रहे कि वो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड कर रहे। बेसिकली यही पूरा स्काउट का रिप्लाई था। एंड इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट्स में बताना। अपनी वीडियो को मैं आगे बढ़ा लेते पर बात करने वाले मॉर्टल के बारे में। तो मॉर्टल जब लाइव आया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर एड्रेस करा था। बेसिकली एक जो टॉपिक था वो ये था कि उनको एक हेट चैट आई थी सिट के रिगार्डिंग। बेसिकली सिट का जो बहुत लोग मजाक उड़ाते हुए नाम लेते हैं ना, उसके रिगार्डिंग उनको एक चैट आई थी। बेसिकली उनको बोला जा रहा था कि आपकी तो हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन जो सिड है वो बार बार ट्विटर पर जाके यहाँ पर बचते रहते हैं एंड फालतू में पूरा ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मॉर्टल ने रिप्लाई करा था। एंड टीम सोल के बारे में यहाँ पर मॉर्टल बात कर रहे थे। तो जो मॉर्टल का पूरा रिप्लाई था वो आप देख लो। बाकी मैं ये सिर्फ आज मेरे को मेन मेरे दिल में यही था कि भाई टेंशन मत लो, टीम सोल पे भरोसा रखो, वी हैव बीन विनिंग
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड एक थोड़ा सा सेटबैक आया है एंड इट लुक्स लाइक यू गाइज आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गिव अप के रास्ते पे चलना शुरू कर दियो आप लोग, तो उस चीज़ पे आप लोग को भरोसा रखना होगा एंड मैं थोड़ा आता हूँ, मैं आई ट्राई टू कनेक्ट इवन मोर विथ यू गाइज बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा कनेक्शन इज वे मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी फकिंग थिंग राइट नाउ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि मैं आप लोग से कनेक्टेड रहूँ फॉर टीम सोल और अपने आप सब सही हो जाएगा। थॉट्स ऑन सी जी मैटर, आई वुड से दूध बहुत टाइम से उबल रहा था मेरे को ऐसा लग रहा है, भाई एक लड़का लिख रहा है थग वर्सेस रौनक का कॉस्प्ले आ गया है, बदमाशी करना है आपके लिए तो रिस्पेक्ट है बट वो बाथरूम क्लीनर बहुत बचता है ट्विटर पर। एक्टिव विकू, थैंक यू फॉर द 100 सुपर चैट, मेरे को उस चीज के बारे में आज पता चला, ठीक है, मैं पर्सनली मेरे को भी नहीं पसंद आया वो द वे दैट वॉज रिएक्टेड, मैं उस चीज का उसको बोलूंगा जब वो आ जाएगा, अभी वो वेकेशन पे है बाहर, आई विल लेट हिम नो, ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर ऐसा ना हो वापस एंड डोंट वरी, मैं आई विल मेक श्योर ऐसा कुछ ना हो वापस। एंड टॉकिंग अबाउट टीम ओनर्स, अपन बात कर लेते क्रॉन्टन के बारे में, तो क्रॉन्टन जब लाइव आए थे तो वो बात करते जेली के बारे में, एज एन आईजीएल के बारे में वो बात कर रहे थे, इसके साथ जो 3 साल बाद गॉडलाइक क्वालिफाई हुई उसके बारे में यहाँ पर क्रॉन्टन बात कर रहे थे, तो क्रॉन्टन का पूरा रिप्लाई भी आप देख लो। जेली भाई जो कि बेस्ट आईजीएल है टिल डेट, वो वॉच पार्टी करने वाले वो कर रहे होंगे, मे बी मेरा स्ट्रीम अभी देख रहे होंगे खोल के, मेरा फेवरेट आईजीएल जेली है गाइस, सच बता रहा हूँ, और इसी के साथ हम क्वालिफाई कर चुके हैं कितने सालों बाद गाइस, जरा कमेंट करके बताओ यार, अपन ऑफिशियल लैंड कितने सालों के बाद क्वालिफाई करें, 3 साल बाद। देखो गाइस, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, इससे आपको पता चल सकता है, हमने ठीक है टीम में चेंजेस किए बट जो हमारे जो दो मेन खतरनाक प्लेयर थे जिगॉट जॉनी, हमने उनके साथ कंटिन्यू किया बिकॉज हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी थी, और मुझे लगता है कि क्वालिफाई हो गए अपन तो एटलीस्ट कुछ हिस्ट्री तो क्रिएट हो चुकी है, अभी जो बची कुछ हिस्ट्री है वो अपन ट्रॉफी जीत के करेंगे, बट अभी थोड़ा उसके लिए जो है ना ट्रॉफी तक का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, अपने सारे प्लेयर्स फुल प्रैक्टिस कर रहे, ग्राइंड कर रहे एंड यार बिग थैंक्स टू पंक, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स ये जो ड्रीम था गॉडेल फैंस का गॉडलाइक का वो फुलफिल होते हुए, तो बिग थैंक्स टू पंक। एंड सिम भाई, सिम भाई पे आते हैं तो गाइस, सिम का मतलब वही था, हमने वही सोचा था कि यार नए प्लेयर क्यों ही ट्राई करने हैं, सिम बोला था मेरे को चांस दो, और जबकि वो टीम में था नहीं फिर भी वो गॉडलाइक के साथ स्टिक किया, दैट मीन्स लॉयल्टी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसको एक चांस दिया और उसने एकदम बेस्ट कर दिखाया। गॉडलाइक के बारे में बात चली रही तो जेली जब लाइव आए थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि आपकी टीम का अभी क्या सीन रहने वाला है, इनको अच्छी टीम बनाओ, तो इस चीज़ का जेली ने शॉर्ट सा रिप्लाई करा था, तो वो भी आप देख लो। भाई अच्छी टीम बनाओ नहीं तो फिर कमबैक नहीं होगा यार, कर दूंगा मैं टेंशन, मतलब कर देंगे, हो जाएगा सब हो जाएगा, तो टाइम लगेगा बट हो जाएगा, इतनी बड़ी किस्मत तो नहीं है मेरी, हो जाएगा कुछ शॉर्ट। निंजा गॉड जॉइनिंग गॉडलाइक नहीं है। एंड न्यूज जब लाइव आए थे तो बात करते ओमेगा एंड हेक्टर की जो कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में, उनका बेसिकली कहना था कि जो भी बोलो हमारी जो टीम थी वो रियल फैमिली थी एंड हमने कभी इस लाइव आके ऐसी चीजें नहीं करी, तो जो न्यू का पूरा इस चीज पर रिप्लाई था वो आप देख लो। क्षत के बीच में ओए बट ये तो है, देखो मैंने तभी ओए तुम्हें याद है तभी मैंने क्या कहा था कि नाम के फैमिली नहीं है हम, सही में भाईचारा है हमारा, याद है तुम्हें क्या कहा था मैंने वो टाइम पे। ये लाइनअप के बारे में गाइस, कुछ चाहे 3 साल लोग में कोई ऐसा नहीं छड़क तो कोई नहीं किया, जिगोर लाला जॉनी भाई देखो ना अपन सेपरेट हो गए बट मतलब ये चीज तो है यार कि हम लोग भले ही सेपरेट हो गए बट हम लोग ने आज तक कभी एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोला। देखो बोला, मैं तुमको ये बात नहीं कहूंगा कि बोला नहीं है, बोला है हमने बट हमने आपस में वो चीज बोल के क्लियर की। तुमको पता है हम लोग ने, तुमको आज एक बात बताता हूँ ठीक है, एक फेज ऐसा आ चुका था ना हम लोग के फ्रेंडशिप में कि हमारे सबके मन में भाई इंसान है एट देन छोटे वो भी एज पे, एट देन सबके मन में कुछ रहता है ठीक है, लाला के मन में भी कुछ था मेरे लिए, जिगॉर्ड के लिए, जॉनी के लिए, मेरे मन में भी कुछ था उनके जिगॉर्ड के लिए, जिगॉर्ड के मन में भी कुछ था मिसअंडरस्टैंडिंग्स ठीक है, तो वो ना होते थे हम लोग एक दूसरे को ऐसा ना मिलते थे ना टॉन्ट वॉन्ट मारते थे बट ना फिर वो एक चीज एक टाइम पर ओवर होने लगी, फिर हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई अपने को ये सब चीजें नहीं करनी, जो है गुस्सा है जो भी मन में अभी बोल दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, बोल दिया खत्म बात, सिंपल समझ रहे हो, और उसके बाद उल्टा और हम लोग अच्छे से रहते हैं। एंड वापस अपन बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में, तो स्काउट लाइव आके ये भी बताया था कि उनका एक कॉलैब आ सकता है शायद गॉडल लॉल्स के साथ, एंड इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया था अपने लाइव स्ट्रीम के ऊपर कि जो निंजा है वो अभी नई टीम ढूंढने वाले, क्योंकि शायद हमें आईक्यू सोल से उनका फेयरवेल देखने को मिले, एंड जो स्काउट का पूरा रिप्लाई था वो आप देख लो। निंजा को कोई अच्छी टीम मिल जाए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कोई अच्छी रोस्टर देखूँ,
निंजा के लिए आई एम ऑल्सो ट्राइंग, आई होप निंजा भी ट्राई कर रहा है वो चीज़, क्योंकि अभी थोड़ा रोशोस चेंजेस होंगे मेरे को. मैं जहाँ ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे मेरे को लॉल्स मिला. सो हम लोग बैठ के बहुत सारी चीज़ें बातचीत कर रहे थे, बहुत ऐसा मतलब हम लोग मे भी आपको इन फ्यूचर कुछ देखने मिले हमारे बीच में, बट दिस जस्ट एट इनिशियल स्टेज. सो हमें तो हेटरेट से मतलब नहीं, हम लोग बहुत चिल्ले. और आपको कुछ भी मोबाइल गेम नहीं मिलेगा, इट्स गोना बी पीसी गेम. वीरू का वीरू 18 घंटे ग्राइंड कर रहा होगा, भाई मुझे क्या पता है क्या कर रहा है वो. आई होप 18 घंटे ग्राइंड कर रहा हूँ. वैसे किस किस ने एनडीटीवी वाला चीज़ मिस आउट कर दिया, अगर आप लोगों को नहीं पता है, आई वॉज इन्वाइटेड ऑन एनडीटीवी टू स्पीक अबाउट गेमिंग अनाउंसमेंट. कौन से अनाउंसमेंट भाई? TX का अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी. आई एम एक्सपेक्टिंग द अनाउंसमेंट टू बी समथिंग अराउंड सितंबर. क्या है सितंबर चल रहा है? हाँ अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक अनाउंसमेंट आएगी. और क्या बातचीत चल रही थी? यस, बहुत लोग ट्विटर पे बोल रहे थे यार डॉक्यूमेंट्री प्लान्ड अप है सब कुछ. मेरे पास डॉक्यूमेंट लिटरली पड़ा हुआ है, अभी पड़ा है, आंखों के सामने लिंक है. बट वो चीज़ के लिए मोस्टली हम कल डालेंगे या फिर परसों डालेंगे. मैं पुश किया हुआ चीज़ उर्वेश का प्लान था कि 3 दिन बाद डालने का, मैंने बोला नहीं कल ही डाल दो. तो एंड बस अपने आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म. वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अपने अगली वीडियो में.